क्रिकेट के इतिहास में यूं तो कई नामचीन कोच हुए हैं, लेकिन रमाकांत आचरेकर सबसे अलग थे, जिन्होंने खेल को सचिन तेंदुलकर के रूप में उसका कोहिनूर दिया। आचरेकर का बुधवार को मुंबई में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह क्रिकेट कोचों की उस जमात से ताल्लुक रखते थे जो अब नजर में कम ही आती है, जिसने मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों को सपने देखने की कुव्वत दी और उसे पूरा करने का हुनर सिखाया। आधी बाजू की सूती शर्ट और सादी पतलून पहने आचरेकर देवानंद की ज्वेल थीफ मार्का कैप पहना करते थे। उन्होंने शिवाजी पार्क जिमखाना पर 80 के दशक में 14 बरस के सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का कखरा सिखाया। भारत की 1983 वर्ल्ड कप जीत के बाद वह दौर था जब देश के शहर शहर में क्रिकेट कोचिंग सेंटर की बाढ़ आ गई। आचरेकर और बाकी कोचों में फर्क बस यह था, वह जिसे योग्य नहीं मानते उसे वह क्रिकेट की तालीम नहीं देते थे। तेंदुलकर और उनके बड़े भाई अजीत ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि आचरेकर कैसे पेड़ के पीछे छिपकर तेंदुलकर की बल्लेबाजी देखते ताकि वह खुलकर खेल सके। क्रिकेट की किंवदंतियों में शुमार वह कहानी है कैसे आचरेकर स्टंप के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखते थे और तेंदुलकर से शर्त लगाते कि वह बोल्ड नहीं हो ताकि वह सिक्का उसे मिल जाए। तेंदुलकर के पास आज भी वह सिक्के उनकी अनमोल धरोहरों में शुमार हैं। अपने स्कूल की सीनियर टीम को एक फाइनल मैच खेलते देखते हुए तेंदुलकर ने जब एक मैच नहीं खेला तो आचरेकर ने उन्हें करारा तमाचा जड़ा था। सचिन ने कई मौकों पर आचरेकर के उन शब्दों को दोहराया है, तुम दर्शक दीर्घा में से ताली बजाओ, इसकी बजाय लोगों को तुम्हारा खेल देखने के लिए आना चाहिए। 80 और 90 के दशक में शिवाजी पार्क जिमखाना पर क्रिकेट सीखने वाले हर छात्र के पास आचरेकर सर से जुड़ी कोई कहानी जरूर है। चंद्रकांत पंडित, अमोल मजूमदार, प्रवीण आमरे, अजीत अगरकर, लालचंद राजपूत सभी बताएंगे कि गुरु क्या होता है और वह समय कितना चुनौतीपूर्ण था। बचपन में सचिन कई बार आचरेकर सर के स्कूटर पर बैठकर स्टेडियम पहुंचे। तेंदुलकर ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर क्रिकेट को अलविदा कहते हुए कहा था, सर ने मुझसे कभी नहीं कहा वेल प्लेड, क्योंकि उनको लगता था मैं आत्ममुग्ध हो जाऊंगा। अब वह मुझे कह सकते हैं मैंने करियर में अच्छा किया, क्योंकि अब मेरे जीवन में कोई और मैच खेलना नहीं है। यह आचरेकर का जादू था कि दुनिया जिसके फन का लोहा मानती है वह क्रिकेटर उनसे एक बार तारीफ करने को कह रहा था। तेंदुलकर ने आज उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, वेल प्लेड सर, आप जहां भी हैं वहां और सिखाते रहें। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।